बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के अंदर आज हम म्यूटेशंस के बारे में बात करेंगे। सो म्यूटेशन, व्हाट इज़ म्यूटेशन? म्यूटेशन होती क्या है? सो जो जेनेटिक कोड होता है, मतलब जो डीएनए के अंदर कोड मौजूद होता है जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं, उसमें चेंजिंग आ जाए, ठीक है। इफ़ जेनेटिक कोड में क्या आ जाए, चेंजिंग आ जाए, ठीक है। कौन सी चेंजिंग? एबनॉर्मल चेंजिंग। सही, एबनॉर्मल चेंजिंग आ जाए तो उसकी वजह से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, म्यूटेशन का। सही, जेनेटिक कोड जिसके अंदर एबनॉर्मल चेंजिंग आ जाए उसे हम म्यूटेशन कहेंगे। सही, और मतलब फॉर एग्जांपल एग्जांपल देता हूँ कि ये डीएनए है, सही, इसके अंदर ए टी सी जी जी सी सी जी ए टी इस तरह, ठीक है। सो अगर इसमें चेंजिंग आ जाती है, मतलब टी ए जी चेंज हो जाता है या फिर डिलीट हो जाता है या फिर रिप्लेस हो जाता है, मतलब इसकी पोजीशन किसी और के साथ चेंज हो जाती है सी टी ए से, ठीक है। सो ये सब चीज़ें म्यूटेशंस में आती हैं, ठीक है। यानी चेंज इन जेनेटिक कोड या जेनेटिक सीक्वेंसिंग के अंदर प्रॉब्लम आना, अल्ट्रेशन आना, उसे आप म्यूटेशंस कहते हो। सही, और जिसमें चेंजिंग आएगी, ठीक है, यानी ऑर्गेनिज्म विच अंडर गो म्यूटेशन, ठीक है जी, जिसके अंदर चेंजिंग आ रही है म्यूटेशन, उसको आप म्यूटेंट्स कहोगे, ठीक है, उसे आप क्या कहोगे, म्यूटेंट्स। सही, सो म्यूटेशन जेनेटिक कोड में चेंजिंग, और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजिंग आएगी, जेनेटिक कोड का प्रॉब्लम जिसमें आएगा, उसे आप म्यूटेंट्स कहोगे। अच्छा, अगर हम म्यूटेशन की काजेज़ को स्टडी करें, ठीक है, यानी रीजंस क्या हैं या काजेज ऑफ म्यूटेशंस क्या हैं। सो जो एबनॉर्मल चेंजिंग आ रही है जेनेटिक कोड में, इसकी ब्रॉड टर्म के अंदर दो कंडीशंस या दो रीजंस हो सकती हैं। एक तो यह है कि मतलब प्रॉब्लम ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ठीक है, या कह लें कि चेंज चेंजिंग ऑफ कोड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, के जब रेप्लिकेशन हो रही होती है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, तो उसके दौरान अगर कोड में तब्दीली मतलब चेंज आ जाए, सही, कि मतलब गलत न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड हो जाए और उसके वजह से जो मतलब चेंजिंग है उसे आप म्यूटेशंस कहोगे, ठीक है। या फिर जो जेनेटिक मैसेज है उसमें मतलब जो कोड एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम हो, सही। और फिर इसके अलावा कुछ क्या लेके एजेंट्स होते हैं, ठीक है, म्यूटाजेनिक म्यूटाजेनिक एजेंट्स लाइक रेडिएशंस, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो एक्सरेज होती हैं, ठीक है, वो भी काज करती हैं। इसके अलावा कुछ कार्सिनोजेनिक एनिमल्स सॉरी कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं जो कैंसर काज करते हैं, सही। सो वो भी कह लेंगे म्यूटेशन काज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम काजेस के ऊपर आएँ, सॉरी काजेस के ऊपर टाइप्स के ऊपर आएंगे, टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस पे, टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस को ब्रॉडली हम दो टाइप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एक है मतलब पॉइंट म्यूटेशन, सही, और दूसरा है क्रोमोसोमल एब्रेशंस कह रहे हैं, या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या नॉन डिस्टिंक्शंस भी बात खुद कहा जाता है, सही, क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शंस, सही, या फिर क्रोमोसोमल एब्रेशंस। सो पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल्स में जो एग्जांपल हम अभी स्टडी भी करेंगे, फॉर एग्जांपल आगे जाके इसमें है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। से क्रोमेटिक एब्रेशंस की एग्जांपल्स एज सच बुक में तो फिलहाल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मतलब इस चैप्टर में मौजूद नहीं है, लेकिन आपने शायद पढ़ी हो जो कि पिछले लेक्चर जब हम स्टडी कर रहे थे, ओके, सॉरी, इससे अगला जो चैप्टर है सेल साइकिल, उसके अंदर क्रोमेटिक एब्रेशंस मौजूद हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, यानी इसमें
एक्स एक्स वाई हो जाता है, यानी दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और एक वाई क्रोमोसोम हो जाता है, इसलिए डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 मिसिंग होता है बिल्कुल ही। ठीक है, क्लिनफिंगर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, और भी इस तरह काफ़ी एग्जाम्पल है जिसमें क्रोमोसोमल एबरेशंस आती हैं। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन की जब हम बात करते हैं तो पॉइंट म्यूटेशन की फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, मतलब जो मतलब पॉइंट म्यूटेशन वैसे कहते हैं, यानी किसी भी डीएनए के किसी पॉइंट पे जो कोड चेंज हो रहा है, ठीक है, उसे आप मतलब जो सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का वो चेंज होता है तो उसे आप पॉइंट म्यूटेशन कह देंगे। ठीक है, और अल्टरेशन इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। फिर आगे इसकी टाइप्स हैं जो कि इस तरह आप देख सकते हैं, मतलब बाज़ फ़ा क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बिल्कुल डिलीट हो जाता है, ठीक है, इसे डिलीशन कहेंगे हम। ठीक है, मतलब अब क्रोमेटिड का साइज छोटा हो गया, और डुप्लीकेशन है, बाज़ फ़ा दो मतलब दो दो दफ़ा जीन रिपीट हो रहा होता है, डुप्लीकेशन आ जाता है। बाज़ फ़ा इन्वर्जन हो जाती है कि मतलब जीन की जो लोकेशन है या लोकस उनसे वो इन्वर्ट हो जाते हैं, सही। और इंसर्शन है, बाज़ फ़ा कोई छोटा सा पीस दूसरे में जाके इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, और बाज़ दफ़ा मतलब ट्रांसलोकेशन है कि एक जीन एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला जाता है, सही, ट्रांसलोकेशन। सो इस तरह कह लें कि म्यूटेशंस होती रहती हैं जिसके अंदर डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, इन्वर्जन है, इंसर्शन है, और ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, विद इन क्रोमोसोम्स कह लें, और उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम होती है, सही। सो पॉइंट म्यूटेशन के अंदर ये सारी टाइप्स आ जाएंगे, डिलीशन, बल्कि ये लिखी हुई नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सही। सो पॉइंट म्यूटेशन वैसे क्या है, इट इज़ अल्ट्रेशन इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की अल्ट्रेशन में, सही। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, एक तो एग्जांपल्स है इसमें सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है भला? वैसे एनीमिया कहते हैं किसे, मतलब कह रहे हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसीज, या कह रहे हैं कि जब एचबी लेवल कम होता है, यानी लोवरिंग, या कह लें सिर्फ लो कर लें, लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, या लो लेवल ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन कर लें, लो लेवल ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो कि पिगमेंट है, जो कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है, सही है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में आरबीसी के अंदर ये जो रेड कलर का पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन होता है, सही। सो अगर इसका लेवल कम हो जाए तो उस टाइम जो कंडीशन होती है हम एनीमिया कहते हैं। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया कौन सा होता है, कि बासकत बास पेशेंट्स के अंदर कह लें कि उसमें जो वैसे हीमोग्लोबिन का जीन होता है ना HB, ठीक है, इसकी चार चेन्स होती हैं, फोर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसमें दो अल्फा होती हैं और दो बीटा, ठीक है, दो अल्फा एंड टू बीटा चेन्स। सिकल सेल एनीमिक पेशेंट में क्या होता है कि जो दूसरी बीटा चेन होती है, सेकंड बीटा चेन, उसके अंदर छठा अमाइनो एसिड जोन सा है, ठीक है, मतलब ये सेकंड बीटा चेन, ठीक है, उसके अंदर वैलिन, यानी ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, जो छठा अमाइनो एसिड है वो चेंज होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता है, सही। सिंपल, यानी एक कह रहे हैं कि जो छठा अमाइनो एसिड उसकी जगह पे क्या है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ रहा है, सही, क्योंकि पीछे पीछे जो कोड होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसके रिजल्ट में पूरा प्रोटीन स्ट्रक्चर जो सब वो डिस्टर्ब होता है, उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है या ऑक्सीजन की जो अफिनिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन के साथ सही तरह बाइंड नहीं हो पाता, सही है। यानी जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है HB, ठीक है, कह लें कि हैज़ लो टेंडेंसी या लो अफिनिटी फॉर O2 मॉलिक्यूल्स,
ठीक है, कि ओ टू मॉलिक्यूल्स के लिए इनकी लो टेंडेंसी होती है, मतलब उसके साथ ये बाइंड नहीं होता, ठीक है, मतलब इतनी टेंडेंसी नहीं होती जितनी नॉर्मल होते हैं। सो फिर वो जो पेशेंट्स होते हैं वो अनिमिक हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर खून की किस्म की कमी पैदा हो जाती है, क्योंकि वो सही तरीके से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे होते। सही, इसी तरह एक और डिजीज़ है, अच्छा इसकी समझ आएगी, सिकल सेल अनीमिया का मतलब इसमें जो HB का जीन है, हीमोग्लोबिन का जीन, उसमें चार चेंज है, तो उसमें बीटा चेन के अंदर छठा माइनस चेंज हो जाता है, ठीक, और उसकी वजह से पूरा फिर फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक। अच्छा एक और डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं इसमें अगेन कह लेंगे एक पूरा इंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, दे लैक इंजाइम, मतलब उनके अंदर इंजाइम नहीं होता फॉर कैटाबॉलिज्म ऑफ सॉरी फिनाइल एनालिन, और जो एंजाइम होता है इसका नाम है स्पेशल, वो है फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सी लेस, ठीक है। सो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम एब्सेंट होता है तो फिर क्या होता है, फिनाइल एलानिन एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, यानी फिनाइल एलानिन एक्युमुलेट, सॉरी, इन बॉडी, ठीक है। और फिर क्या होगा कि जो इससे बात कर, फिर मेंटल रिटार्डेशन भी होती है, अगर ये ब्रेन में जमा हो जाए, बॉडी एंड ब्रेन, और अगर ये ब्रेन में जमा शुरू हो जाए तो उससे उसके बाद मेंटल रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाती है पेशेंट्स की। सही, और ये भी एक किस्म की पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल है, मेंटल रिटार्डेशन भी पॉइंट म्यूटेशन की ही एग्जांपल है, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन की दो एग्जांपल हमने स्टडी कर ली, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन यूरिया। सही, ये हो गया म्यूटेशंस के बारे में, ठीक है। और दूसरा, म्यूटेशंस को हम रोक नहीं सकते, मतलब क्योंकि म्यूटेशंस वैसे ना दो किस्म की कह लें अगर हम, मतलब जो चेंजिंग आती है डीएनए में, म्यूटेशंस में अगर हम देखें तो कुछ म्यूटेशंस जो से वो एवोल्यूशन के अंदर हेल्प कर रही होती है, ठीक है, क्योंकि उनके उसके ज़रिए, उन म्यूटेशन के ज़रिए मॉडिफिकेशंस आ रही होती है बॉडी के अंदर। सही, सो कुछ म्यूटेशन जो कि कह लेंगे अच्छी म्यूटेशन है या यूजफुल म्यूटेशन है, या कह लेंगे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द म्यूटेशन ये है कि वो एवोल्यूशन में हेल्प कर रही होती है। सही, और कुछ म्यूटेशन डिजीजेस काज करती है। सही, और इन म्यूटेशन में सबसे बुरी म्यूटेशन वो होते हैं जो कि फैमिलियल डिजीजेज या हेरिटरी डिजीजेज काज करती है, हेरिटरी डिजीजेज यानी जो पूरी फैमिली में फिर रन करना शुरू कर देती है, और ये कह लेंगे बहुत बड़ा वीक पॉइंट है म्यूटेशंस का, कि बाज़ म्यूटेशंस की वजह से जो डिजीज़ होती है, जिस तरह एग्जांपल्स में हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, ये फैमिलीज़ के अंदर रन करना शुरू कर देती है, मतलब बाप से बेटे में, बेटे से आगे अगली औलाद में ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। सही, वैसे जो है ना हमारे जो एक इंफॉर्मेशन इधर लिखी हुई कि हमारे जो अडल्ट ह्यूमन, मतलब जो कह लें कि एक नौजवान बंदा है, उसके अगर सारे डीएनए को हम मतलब इकट्ठा करके एक लाइन में खड़ा, मतलब लाइन से आप इसे जोड़ें, तो तकरीबन वो कितना बन रहा है, ऑलमोस्ट 100 बिलियन किलोमीटर, ठीक है, ये टोटल डीएनए लेंथ इन एन अडल्ट इज अबाउट कितनी, 100 बिलियन किलोमीटर्स। सही, सो आप खुद अंदाजा लगाएं कि मतलब इतने ज़्यादा बिलियन किलोमीटर्स का डीएनए मौजूद है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अल्ट्रेशन या म्यूटेशंस तो जाहिर बात है पॉसिबिलिटीज़ हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि मतलब 10 बिलियन किलोमीटर का डीएनए है, तो उसका मतलब ऑलमोस्ट में 10 बिलियन है, तो ये मतलब 1000 बिलियन, इवन 100,000 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसमें, ठीक है।
और फिर उन न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस को अरेंज करना और उसमें से अल्टरेशन को रिमूव करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। इस वजह से यानी इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने की वजह से कहीं ना कहीं म्यूटेशंस आ जाती है, और सबसे डेंजरस म्यूटेशंस वो होते हैं जो कि फैमिली में रन करना शुरू कर देती है। सही। और ये तकरीबन कहा जाता है 60 टाइम्स है, ये सारा डिस्टेंस है 60 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर, अर्थ एंड जुपिटर, ठीक है, अर्थ और जुपिटर के दरमियान तकरीबन 60 दफ़ा का डिस्टेंस है आने जाने का। सही। तो खैर ये हो गया आज का टॉपिक हमारा म्यूटेशंस के बारे में, और यहाँ पे चैप्टर भी एंड होता है।